हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशेट टोरन पट्टी का एक और डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है ये टोरन पट्टी का। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है, इसे प्रेस करना मत भूलिए। इससे क्या होगा, मेरे जो नए नए वीडियो आते हैं, इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए सीखते हैं ये तोरण पट्टी कैसे बनानी है। इसके लिए मैंने लिया है रेड कलर का 4 प्ले का वूल, 50 ग्राम। क्रोशे हुक है मेरा 1.75 mm का। पहले हमें स्लिप नॉट बना के लेना है, इसके बाद 17 चेन्स बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। 17 चेन्स हमारी हो गई। अब जो 14 नंबर का चैन है, इसमें हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। आगे की सारी चेन्स के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। पहले 3 चेन्स का और आगे के 14 डबल क्रोशेट, टोटल 15 हो जाएंगे। देखिए, 15 डबल क्रोशेट हमारे हो गए। अब हमें 3 चेन्स लेनी है, 1, 2 और 3। टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पहले 3 चेन्स का और आगे के 4 डबल क्रोशेट, टोटल 5 हो गए। अब हमें 5 चेन्स लेनी है। आगे के 5 डबल क्रोशेट हमें स्किप करने हैं। उसके बाद के जो 5 डबल क्रोशेट हैं, इनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 4 और ये 5। 5 डबल क्रोशेट के ऊपर हमने 5 डबल क्रोशेट बना लिए। अब हमें 3 चेन्स लेनी है और टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर हमें 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पहले 3 चेन्स का और आगे के 4 डबल क्रोशेट, टोटल 5 हो गए। 5 चेन्स लेनी है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा। इस तरह से हमने ये 5 डबल क्रोशेट के ऊपर 5 डबल क्रोशेट बना लिए। अब हमें फिर से 3 चेन्स लेनी है, 1, 2 और 3। टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पहले 3 चेन्स का और आगे के 4 डबल क्रोशेट, टोटल 5 हो गए। अब हमें 1 और 2 चेन लेना है। ये जो 2 5-5 चेन्स के राउंड है, यहाँ से क्रोशे को नीचे डालना है, धागे को ऊपर लाना है और एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से हमें 2 चेन लेनी है, 1 और 2। आगे के 5 डबल क्रोशेट के ऊपर 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1
दो, तीन, चार और पांच। इस तरह से ये हमारा पहला पैटर्न तैयार हो गया है। अभी सेम डिज़ाइन हमें रिपीट करना है। तीन चेन्स लेनी है, टर्न करना है, चार डबल क्रोशेट के ऊपर चार डबल क्रोशेट बनाने हैं। अब हमें पांच चेन्स लेनी है। आगे के पांच डबल क्रोशेट के ऊपर पांच डबल क्रोशेट बनाने हैं। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और ये पांच। फिर से हमें तीन चेन्स लेनी है और टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के चार डबल क्रोशेट के ऊपर चार डबल क्रोशेट बनाएंगे। दो हो गए, ये तीन और ये चार। फिर से हमें पांच चेन्स लेनी है। आगे के पांच डबल क्रोशेट के ऊपर पांच डबल क्रोशेट बनाने हैं। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है ये तोरण पट्टी का। पांच डबल क्रोशेट के ऊपर पांच डबल क्रोशेट बनाने हैं। तीन चेन्स लेनी है, टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के चार डबल क्रोशेट के ऊपर चार डबल क्रोशेट बनाने हैं। अब हमें दो चेन्स लेनी है, एक और दो। जो ये दो चेन्स के राउंड है, यहाँ से क्रोशियो को नीचे डालना है और एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से हमें दो चेन्स लेनी है, आगे के पांच डबल क्रोशेट के ऊपर पांच डबल क्रोशेट बनाने हैं। दो हो गए, ये तीन, चार और ये पांच। पांच डबल क्रोशेट हो गए। इसी तरह से ये पैटर्न आगे हमें कंटिन्यू करना है। देखिए सेम लाइंस रिपीट हो रही हैं। इसके बाद भी हमें सेम डिज़ाइन कंटिन्यू करना है। जितनी आपकी डोर की साइज़ है उतनी आपको ये बना के लेना है। देखिए तोरण पट्टी का आप एंड कैसे करना है ये आप मैं बताती हूँ। पहले हमें तीन चेन्स लेनी है, एक दो तीन, टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के चार डबल क्रोशेट के ऊपर हम चार डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। नेक्स्ट जो हमने दो चेन बनाई है वहाँ पे हम दो डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला और ये दूसरा। आगे का जो एक सिंगल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। नेक्स्ट जो दो चेन्स है वहाँ पे दो डबल क्रोशेट, एक और दो। आगे के जो पांच डबल क्रोशेट हैं इनके ऊपर हम पांच डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार और ये पांच। टोटल 15 डबल क्रोशेट हमारे हो गए। अब हमें धागे को कट कर देना है और एक्स्ट्रा धागा हमें अच्छी तरह से छुपा देना है। देखिए इस तरह से ये स्टार्टिंग का लाइन और एंड का लाइन हमारा सेम हो गया। हमारी तोरण पट्टी कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई कमेंट्स या सजेशन है तो मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू।